हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटीज पर मंडराने लगा है मौत का खतरा, जिसकी वजह से वो लड़ रहे हैं जिंदगी और मौत की जंग। दोस्तों, और वो कौन है, उन्हें क्या हुआ है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड से एक बार फिर बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में शुमार नितिन मनमोहन को इस समय हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, उनकी कंडीशन काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार की शाम नितिन मनमोहन को मैसिव हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नितिन ट्रीटमेंट पर रिस्पांस तो कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी खतरे में है। अस्पताल के अधिकारी के मुताबिक नितिन फिलहाल आईसीयू में एडमिट है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने के बाद नितिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस समय उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था, तब उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, वो अभी आईसीयू में है। दोस्तों, नितिन की सीरियस कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है और उनकी कंडीशन पर हर पल नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, नितिन मनमोहन के घर वाले उनकी सेहत को लेकर काफी ज्यादा दुखी है, उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। नितिन मनमोहन को हार्ट अटैक आने की खबर सामने आते ही उनके तमाम फैंस भी उन्हें जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बता दें कि आखिर ये नितिन मनमोहन है को। दोस्तों, ये वही नितिन मनमोहन है जो फिल्मी की धूम की दुनिया का एक बड़ा नाम है। वो फेमस विलेन मनमोहन के बेटे हैं। नितिन मनमोहन बोल राधा बोल, दस, लाड़ला, चल मेरे भाई, रेडी, शू समेत कई अन्य फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। नितिन मनमोहन के परिवार समेत उनके फैंस भी फिल्म मेकर की सेहत को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है और उनकी अच्छी हालत की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी नितिन मनमोहन के फैन है और उनकी हालत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नितिन मनमोहन की हालत से रिलेटेड खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।